नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी। और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में, आज उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू का मंडी दौरा, सौगातों भरा रहा। अब डेंटल क्लिनिक का खोलने पर भी अनुदान मिलेगा, आगे विस्तार से बताएंगे क्या है पूरी खबर। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है, किस पद पर कौन हुआ काबिज, देखिए पूरी रिपोर्ट। आगे देखिए चुनाव प्रचार में व्यस्त प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर ऐसा क्या कहा जिसने बढ़ा दिया है प्रदेश का सियासी पारा। आखिरी में आज की स्पेशल रिपोर्ट में दर्शन कीजिए सबकी चिंता हरने वाली जगत जननी मां चिंतपूर्णी के, मां चिंतपूर्णी के दिव्य दर्शनों से करिए सुप्रभात। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की, और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री सुक्खू की, बड़ी सौगात। डेंटल क्लिनिक खोलने पर 50% का अनुदान मिलेगा आपसे। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत यह ऐलान किया गया है। हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार देना संभव नहीं है, लेकिन इसीलिए कदम उठाए जा रहे हैं स्वरोजगार की दिशा में। तो अभी कुछ ना मांगे, ओपीएस लागू कर दिया है। ओपीएस के खिलाफ केंद्र डाल रहा है बहुत दबाव, यह भी उन्होंने जिक्र किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू की यह बड़ी सौगात कि अब डेंटल क्लिनिक खोलने पर 50% अनुदान जो है वो मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेंटल क्लिनिक खोलने पर 50% मिलेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो मुख्यमंत्री सुक्खू की यह बड़ी सौगात, डेंटल क्लिनिक खोलने पर 50% का अनुदान मिलेगा। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ऐलान किया गया है, और हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार देना संभव नहीं है, स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर रही है सरकार। तो एमओयू आपको बता दें कि एमओए की मांगों पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी कुछ ना मांगे, ओपीएस लागू कर दिया गया है। ओपीएस के खिलाफ केंद्र बहुत दबाव डाल रहा है, इस बात का जिक्र किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यही दे रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिवसीय मंडी दौरे पर थे, जहां पर एक और जहां पर उन्होंने डेंटल क्लिनिक खोलने पर 50% का अनुदान दिया है। वहीं दूसरी ओर नेरचौक के मेडिकल कॉलेज में भी सीएम ने शिरकत की। मौका था दीक्षांत समारोह का, जहां पर सीएम ने अपने अतीत के पलों को याद करते हुए छात्रों को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही एमबीबीएस के पहले बैच को डिग्रियां भी दी। अतीत को याद करते हुए जब मैं इस गेट के अंदर आ रहा था तो सीएसए के प्रेसिडेंट ने मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दी, कहा कि मैं सीएसए प्रेसिडेंट हूं। तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं भी सीएसए का प्रेसिडेंट था, और उस समय मैं भी सबसे पहले हम सीआर थे, 17 साल की उम्र में सीआर बन गए। तो उसके बाद जब मैं प्रेसिडेंट बना तो जो मांग वो मेरे सामने रखना चाहते थे हम भी ऐसी ही मांगे रखते थे। आईजीएमसी कॉलेज से पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट डॉक्टर दिए। जब मैं अभी दिल्ली जाता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, टॉप के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हिमाचल के आईजीएमसी के डॉक्टर जो वहां से पढ़कर गए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हिमाचल से पढ़कर जाता है मेडिकल कॉलेज, अब तो काफी हो गए, और निश्चित तौर पर अपना नाम को कमाता है। अब जो अगली चुनौती जो इस बैच के लिए है वो भविष्य की चुनौती है,
और जब चुनौती होती है तो कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, उससे भागना नहीं पड़ता। जब आप कड़ा परिश्रम करोगे, मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क जब आप करोगे, निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हर समय, जीवन में जब भी आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर जाएंगे, उस पड़ाव में आपको चुनौतियां मिलेगी। कुछ लोग चुनौतियों का सामना करने से घबरा जाते हैं, कुछ लोग चुनौतियों के सामने डटकर खड़े होते हैं, और जो लोग डटकर खड़े होते हैं वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं। उधर नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने वार्ड 16 से कांग्रेस उम्मीदवार अतुल गौतम के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रतिभा सिंह ने जहां नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी और कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में गारंटियां दी हैं वो 5 साल में पूरी होंगी। हम कांग्रेस की कॉरपोरेशन को जीतकर कांग्रेस का परचम लहराएंगे और अवश्य इसमें जीत हासिल करेंगे। भाजपा को जब कुछ कहने को नहीं मिलता तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये गारंटियां वो गारंटियां हैं जो 5 साल में पूरी होगी। अभी तो हमारे को 3-4 महीने हुए हैं सरकार बनाकर। अभी हमने OPS लागू किया है, महिलाओं के लिए जो आर्थिक हमने एक गारंटी की बात की थी वो हम शीघ्र करने जा रहे हैं, और उसी तरह से जो बाकी गारंटीज है दैट ऑल्सो ड्यूरिंग 5 ईयर्स वील कंप्लीट एंड हैंड ओवर की जी, हमने ये कहा था ये करके दिया। कौन सी उन्होंने ऐसी बड़ी इमारत खड़ी कर दी कि जिसको कह सके कि जी ये इनकी देन है। आप जो भी आप हिमाचल प्रदेश में काम देख रहे हैं वो पूर्व की कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किए गए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, आ रही है हिमाचल बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल के नए बीजेपी अध्यक्ष बने राजीव बिंदल, ये बड़ी जानकारी आ रही है। प्रदेश महामंत्री के पद पर भी बड़ा बदलाव हुआ है, बीजेपी के नए प्रदेश महामंत्री बने सिद्धार्थन। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, आदेश जारी कर दिया गया है। हिमाचल बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव जो है वो किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो कौन है राजीव बिंदल, ये हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। 2017 में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष बने, उसके बाद हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो एक कुशल संगठक के रूप में उनकी पहचान है, सख्ती से संगठन चलाने के लिए जाने जाते हैं। धूमल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं राजीव बिंदल, 2017 में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से, और देखिए बिल्कुल तय माना जा रहा था और लंबे अरसे से ये इस जुगत में भाजपा जो है वो लगी हुई थी कि अब आखिरकार जब सर पर 2024 के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में मजबूत कैसे पार्टी को किया जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। चिंतन और मंथन इस बात को लेकर भी था कि जो ऐसा कोई चेहरा जो कि रणनीति यहाँ पर बनाने में माहिर हो, ऐसा कोई चेहरा जो कि भाजपा को 2 कदम कांग्रेस से आगे लेकर जाए, जनता के बीच में पकड़ बनाए, किस तरह से जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाए, तो ये सारी चीजें जो है देखते हुए एक बड़ा संगठनात्मक जो है वो फेरबदल यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल एक जाना माना नाम और रणनीतिकार जो कि चुनावों के तौर पर खास तौर पर जाना माना नाम है कि चुनावों में किस तरह से रणनीति उनकी काम आती है, और भाजपा जो है जब उनके समय में भी, क्योंकि ये दूसरी बार होगा जब उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, इससे पहले के उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखा गया, हालांकि कुछ आरोप जो है उनके ऊपर लगे थे, पीपी किट जो घोटाला था उसको लेकर जरूर उनका नाम जो है वो उछला था और आरोप उन पर भी लगे थे जिसके कारण उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन क्या आज बीजेपी जो है ये सोच रही है कि किस तरह से संगठन को भी मजबूत करना है और प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर आगे की राह किस तरह से आसान की जा सकती है, एक तरफ जहां नगर निगम के चुनाव स्तर पर है, दूसरी तरफ संगठन की जो मजबूती है
उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर संगठनात्मक नियुक्ति भी यहाँ पर की गई है। अब संगठन के जो प्रदेश महामंत्री हैं उनकी नियुक्ति जो है वो यहाँ पर की गई है। पवन राणा को यहाँ से हटाकर अब दिल्ली भेजा गया है और दूसरी तरफ दिल्ली के जो दिल्ली प्रदेश के जो संगठन महामंत्री थे सिद्धार्थन, उनको जो है वो अब हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी ये मान रही है कि अगर इस तरह से बदलाव किया है तो आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है, न सिर्फ उसमें बल्कि जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें भाजपा जो है अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत कर सकती है। और जिस तरह से अभी हाल ही में अगर जिस तरह से प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, तो भाजपा ये बड़ी नियुक्तियां जिस तरह से अपनी देख रही है और ये देख रही है कि जो डॉक्टर राजीव बिंदल है अब वो किस तरह से आगे जो है वो बढ़कर काम करेंगे। आज डॉक्टर राजीव बिंदल जो है, जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शिमला पहुंच रहे हैं। दीप कमल जो कि पार्टी मुख्यालय है वहां पर एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा और उसके साथ ही 11 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया है जब डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो शिमला पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो पहले ही की जा चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा संगठनात्मक बदलाव जो है वो किया गया है निकाय चुनाव से पहले, इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री जो हैं वो यहाँ पर बदले गए हैं और इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ा संगठनात्मक यह बदलाव यहाँ पर हुआ। हिमाचल के नए बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बनाए गए हैं। उधर नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें जिसमें कि शिमला शहर में मुफ्त पानी और पार्किंग समेत 21 वायदे किए गए हैं। बीजेपी की ओर से अपने देश की दृष्टि पत्र में दरअसल शिमला शहर के लोगों को हर महीने 40,000 लीटर पानी, मुफ्त शहरवासियों को टैक्सों के जाल से भी मुक्ति और साथ ही साथ एक निगम एक टैक्स प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हम गारंटी नहीं विजन लेकर आए हैं। तो बीजेपी का दृष्टि पत्र हम आप वासियों को टैक्सों के जाल से मुक्ति, एक निगम एक टैक्स प्रणाली लागू करेंगे, साथ ही 50% तक कूड़ा बिल माफ भी करेंगे। हर वार्ड मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाकर जनता को सुविधाएं देंगे। हर मोहल्ले में पार्किंग और गाड़ियों की व्यवस्थित पार्किंग की योजना, जहां ढारा वहीं मकान। योजना के तहत गरीब ढारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जमीन में बने ढारों का अधिकार। नगर निगम को दिया जाएगा खतरनाक पेड़ों को समयबद्ध ढंग से हटाने का अधिकार। बिजली मीटर्स की तर्ज पर पानी के मीटर्स के लिए भी एनओसी नहीं होगा। दुकानों की लाइसेंस फीस की विषमताओं को समाप्त किया जाएगा। एक दुकान एक यूनिट की व्यवस्था लागू होगी। नशा मुक्ति के खिलाफ जन आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके तहत शिमला की जनता को जागरूक किया जाएगा। हर वार्ड के हर मोहल्ले में ओपन जिम लगवाए जाएंगे। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर नगर निगम क्षेत्र को सीसीटीवी के अंतर्गत लाया जाएगा। आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें एनजीओ और अन्य सामाजिक संस्थाएं शामिल होंगी। शिमला नगर निगम क्षेत्र में और स्थान चयनित कर रैन बसेरा और लेबर हॉस्टल बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि दिहाड़ीदारों, मजदूरों और अपना रोजगार करने वालों को आश्रय मिल सके। शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर मैरिज पैलेसेस का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और यथासंभव ज्यादातर छतों पर सोलर पैनल सब्सिडी के आधार पर लगाए जाएंगे। दाड़नी के बगीचों में बनाई जाने वाली सब्जी अनाज मंडी के काम को गति देते हुए जल्द ही इसको पूरा किया जाएगा। सभी वार्डों में ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थापित करेंगे, जिससे गंदे पानी का रिसाव सार्वजनिक स्थानों पर न हो सके। शिमला नगर निगम के वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों की एक समिति महापौर की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जिसके पास नगर निगम को सुझाव देने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार की 1,546 करोड़ की बहुआयामी योजना पर्वतमाला योजना को क्रियान्वित करने का ठोस प्रयास किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को काफी फायदा भी होगा। शिमला नगर के अंतिम छोर
यानी कि प्रत्येक गांव तक एम्बुलेंस रोड बनाई जाएगी। शिमला निगम क्षेत्र में सभी फायर डाइड्रेंट्स को क्रियाशील किया जाएगा ताकि कभी भी आने वाले अग्निकांड पर शीघ्र काबू पाया जा सके। उधर आपको बता दें, शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर घोषणा पत्र जारी करने के बाद दल नेता प्रतिपक्ष श्रीराम ठाकुर और चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने इस मौके पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शिमला में नगर निगम में अलग अलग समय में कॉरपोरेशन के चुनाव होते रहे। चुनाव के पश्चात यहाँ पर कॉरपोरेशन का मेयर और काउंसलर बनते रहे और स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूँ कि एक लंबा दौर शिमला में कॉरपोरेशन में जिनकी सत्ता रही वो कांग्रेस पार्टी रही, उसकी सत्ता लगभग 25 वर्ष रही और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 वर्ष शिमला में कॉरपोरेशन में मेयर डेप्टी मेयर के नाते मिले और सीपीएम को भी 5 वर्ष जब डायरेक्ट चुनाव हुआ था मेयर डेप्टी मेयर का तो वो एक दौर उनका भी रहा। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे समय तक कॉरपोरेशन में कांग्रेस का वर्चस्व रहा और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए किस क्षेत्र की पहचान उसकी सुविधा और विकास की दृष्टि से बनाने के लिए 25 वर्ष का कार्यकाल बहुत ज्यादा होता है और वो 25 वर्ष का कार्यकाल शिमला में कॉरपोरेशन के नाते जब उनकी सत्ता रही यहां जो किया जा सकता था वो नहीं कर पाए हम शिमला। उधर बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों को उठाया। पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पे हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए जिसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नजर डालें इनके दृष्टि पत्र में तो वो सारी चीजें जो पहले 2017 में बात कही गई आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। जो एक उम्मीद थी कि अब ये बात करते नारे देते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, कि भारी दिल्ली में सरकार है, हिमाचल में सरकार है और नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है, तो इन कामों में बड़े ऐसे नारे देना, स्लोगन्स, ऐसी बातों में तो देवर परफेक्ट, लेकिन काम की दृष्टि से जीरो। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, मेयर डिप्टी मेयर ग्रुप पॉलिटिक्स में 5 साल निकल गए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? शिमला की जनता का। आज ये समय जब आप अपना घोषणा पत्र अगले चुनाव के लिए दे रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपने पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे उसमें से कितने लोगों आपने खरे उतारे, पहले उसका हिसाब किताब भाजपा को देना चाहिए कि हमने 2017 में शिमला की जनता को ये सपने और ये वादे बताए थे और इसमें से हमने 90% 80% 70% जो भी आप समझे आपको बताना चाहिए था कि इससे पहले कि आप अगली एक घोषणा पत्र लोगों के सामने रख रहे हैं कि और एक विजन दिखा रहे हैं कि हम आगे ये करेंगे अगर आप दोबारा से मौका देंगे। कि स्मार्ट सिटी को लेके एक स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था धर्मशाला और उसके बाद शिमला, वो भी कांग्रेस की सरकार में अप्रूवल उसको मिला था, लेकिन बजट जो है 2017 के बाद आया जब प्रदेश में सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार बन गई। अब हम आज देखें कि शिमला स्मार्ट सिटी बोलना, स्मार्ट 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 सभी स्मार्ट बोल रहे हैं और उम्मीद भी सबको ये थी कि हम स्मार्ट सिटी की एक कल्पना होगी,
कि एक अच्छा सुंदर शहर होगा, वहाँ सुविधाएं होंगी, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो एक मन में था हमारे भी, आपके भी और सब शिमला वासियों के, कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी या पूरे प्रदेश के लोग वास करते हैं। तो एक उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी में ये शहर गया है तो निश्चित तौर पर जो अगले 2-4 साल 5 सालों में वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उधर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बिना मतलब के गांधी परिवार की आलोचना करती है। साथ ही ये भी कहा है कि अनुराग ठाकुर जब भी हिमाचल आते हैं तो गांधी परिवार को किसी न किसी अपराध में जोड़ने का काम करते हैं, जबकि गांधी परिवार ने देश के हित और आजादी के लिए अपना अहम रोल अदा किया है। अब ऐसे में प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि केंद्र में उन्हीं के लोगों का प्रमोट वहां पर किया जाता है जो गांधी परिवार की आलोचना करते हैं। उधर तिब्बत के 14वें आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसको लेकर दलाई लामा की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है जिसमें कि दलाई लामा ने अपने शब्दों के लिए क्षमा याचना की है, लेकिन अब बौद्ध समुदाय के लोगों में इसको लेकर काफी रोष है। उनका कहना है कि इस वीडियो को साजिश के तहत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अनुयायियों का आरोप है कि दलाई लामा के खिलाफ साजिश रची जा रही है जिसमें चीन और अन्य ताकत शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ 2 सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पूर्ण घटनाक्रम हुआ है जो हुआ है और हम उच्च न्यायालय में जाने का हमने पूरा फैसला बनाया है निस्बत कि हमें वहां से इजाजत मिले धर्मशाला से। और मुझे लगता है कि ये या तो हमारे कोई मीडिया चैनल ने टीआरपी बनाने के लिए ऐसी खबर लगा दी है, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है या धर्मगुरु प्रसिद्ध है, या हो सकता है चीन का भी हाथ हो इसमें, ये भी शक कर रहे हैं हम। तो यही है कि डिफेम करने की मंशा, टीआरपी बढ़ाने की मंशा, मैं कह चुका हूँ। देखिए चीन कभी हिंदुस्तान के साथ तो लगा ही नहीं हमारी सीमा, कभी भी, आज भी नहीं है। और वो आप पुराने नक्शे देखे उठा के तो चीन तो हमसे मतलब कि कई हजारों किलोमीटर दूर है नक्शे में। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा कब्जा तभी हो पाएगा ना अगर कोई उसका संरक्षक नहीं होगा, तभी तो उनका भी इसमें हाथ हो सकता है पूरा।